गुजरात में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस इसे दबाव और लोभ की राजनीति बताकर अपना बचाव कर रही है, लेकिन अर्जुन मोढवाड़िया, नारायण राठवा और अमनीर डेर जैसे नेता यदि पार्टी छोड़कर जा रहे तो इसके पीछे क्या कारण है, चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुजरात में 26 की 26 सीटें जीतने वाला भाजपा क्यों दूसरे दल के नेताओं को अपना रही है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज के एनजीएन स्पेशल शो में। मैं हूं हिमानी और मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं? यह बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के नेता भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं। अकेले गुजरात में नहीं, पूरे देश में 2014 के बाद तमाम दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, लेकिन गुजरात में जो नेता शामिल हुए उनके सबके अपने अपने कुछ ना कुछ कारण थे। आज जो घटना हुई कि एक दिन में दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, अर्जुन मोढवाड़िया और रमेश डेर, इसके पहले नारायण राठवा ने इस्तीफा दिया और अपने समर्थकों के साथ अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हुए। अर्जुन मोढवाड़िया कल शामिल होंगे। अर्जुन मोढवाड़िया का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। आज अर्जुन मोढवाड़िया ने जो पत्र सार्वजनिक किया है उसमें उनने भाजपा में जाने का जो कारण बताया है वह कारण यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिस तरह से कांग्रेस ने बहिष्कार किया उससे वह दुखी थे, और उनका कहना है कि उनने खड़गे जी को इसके पहले भी पत्र लिखा था और अपनी आपत्ति जताई थी। हर नेता जब दूसरे दल में जाता है तो वो कोई ना कोई कहानी कहता है। अयोध्या के मामले पे ही अर्जुन मोढवाड़िया के दुनिया भर के बयान सामने हैं। दो दिन पहले यानी परसों शाम को अर्जुन मोढवाड़िया जगदीश ठाकुर के साथ पंचमहल जिले के गोधरा में, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है, उसकी तैयारी में लगे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश के लिए कितनी जरूरी है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उसके पहले हो चुकी थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अर्जुन मोढवाड़िया की नाराजगी भी सामने आई और उनसे कांग्रेस हाईकमान ने बातचीत भी की। वो भी टाइम टू टाइम कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में कहीं शामिल हुए और कहीं शामिल नहीं हुए। उनने ही कुछ दिन पहले खंडन किया था कि मैं कांग्रेस में हूँ। अर्जुन मोढवाड़िया के भाजपा में जाने की बात आज एकाएक नहीं हुई, पिछले एक महीने से ये बात चल रही थी। लेकिन एक बड़ी बात जो है जो आलाकमान को चिंता करना चाहिए कि भाई अर्जुन मोढवाड़िया जैसा नेता, यदि मैं सही हूँ तो वो गुजरात के पहले ऐसे पीसीसी चीफ हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक छोटे नेता जाते थे, एमएलए जाते थे, एक्स एमपी जाते थे, किसी को टिकट की लालच थी, किसी को दूसरे कारण थे, व्यावसायिक कारण थे। अर्जुन भाई के साथ ऐसे कोई कारण नहीं है कि वो भाजपा में दबाव से जाए। और अर्जुन भाई को जितना गुजरात के लोग जानते हैं दबाव में आने वाला वो व्यक्ति भी नहीं है। अर्जुन भाई के परिवार में तमाम इसके लिए बलिदान दिए हैं और पोरबंदर की राजनीति जो रही है, एक समय तो ऐसा आया था कि अर्जुन भाई को अलग से सिक्योरिटी मिली थी तब वो नहीं झुके, ये झुकना होता तो उस समय झुक जाते। फिर सवाल यह है कि अर्जुन मोढवाड़िया गए क्यों? क्योंकि पोरबंदर जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से पार्लियामेंट का कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है। गुजरात से जो राज्यसभा की सीटें थी वो भी कुछ दिन पहले ही भरे जा चुकी हैं। तो अर्जुन मोढवाड़िया को भाजपा में जाके हासिल क्या होगा? एमएलए वो थे, नेता प्रतिपक्ष रह चुके, प्रदेश प्रमुख रह चुके, और जो पार्टी में एक हाई कमान होता है तो वो उस भूमिका में थे कि स्टेट में वो हाई कमान थे, पूरे गुजरात में उनके अपने समर्थक थे, उनका अपना नेटवर्क था।
उसके बाद अर्जुन मोढवाडिया क्यों गए? तो इसके दो बड़े साफ कारण हैं। पहला कारण ये है कि अर्जुन मोढवाडिया जिस कम्युनिटी से आते हैं ओबीसी, फिलहाल अगले 5 साल में उनके लिए कांग्रेस में कुछ बचा नहीं था। ओबीसी से यदि आप देखें तो दीपक बावरिया सीडब्ल्यूसी में है, दिल्ली हरियाणा के इंचार्ज हैं, जगदीश ठाकुर सीडब्ल्यूसी में है। और अर्जुन भाई से मेरी जब निजी बातचीत हुई थी तब भी उनने पूछा था कि जगदीश ठाकुर का सीडब्ल्यूसी में जाना उनकी लीडरशिप में ही गुजरात में कांग्रेस 87 सीट पे निपट गई थी, वो प्रदेश प्रमुख थे। उसके बाद उनको सीडब्ल्यूसी में जाना वो सजा है कि इनाम है? भरत सोलंकी जम्मू कश्मीर के प्रभारी बन गए, अमित चावड़ा एलओपी की तो जगह नहीं है तो सीएलपी है, तो अर्जुन मोढवाडिया के लिए कोई एक स्पेस नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में। वो पीसीसी चीफ बन चुके थे, सीएलपी बन चुके थे, फर्स्ट टाइम एमएलए थे तो वो सीएलपी हो गए थे, तो ऐसे में उनके लिए एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनको जाना था, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है गुजरात में, जो कांग्रेस की परिस्थिति है उसमें कांग्रेस सरकार बनाए ऐसा है नहीं। उनने अपने पत्र में भी लिखा है कि वो पोरबंदर के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, पिछला चुनाव भी हार गए थे, 2017 का चुनाव अर्जुन भाई भी हार गए थे, 2022 में जीते। तो जब आप सरकार में शामिल होते हैं तो आपका काम ज़्यादा आसानी से होता है। लेकिन आज जो शक्ति सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रमुख के तौर पे कि अर्जुन मोढवाडिया ही वह नेता थे जिनने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जंगा बिल्ला की जोड़ी कहा था, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री होते थे मोदी जी और अमित शाह जी, तो वो उनकी अपनी भूमिका थी जब तक वो कांग्रेस में थे, आक्रामक थे और मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखा। पिछले महीने जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसमें भी अर्जुन भाई ने वो भूमिका नहीं निभाई जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो पार्टी हाईकमान लगातार उनके साथ बात कर रहे थे, बीच में एक खबर भी आई थी कि उनका पार्टी के साथ सेटल हो गया है। मुकुल वासनिक जी जब आए थे तो भी वो शामिल हुए थे और भारत जोड़ो यात्रा में उनने जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन 5 दिन पहले जब मुकुल वासनिक जी यहाँ थे और भारत जोड़ो यात्रा के लिए दो दो नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही थी, तो जब अर्जुन भाई का नाम आया तो वो कंफर्टेबल नहीं थे। उनकी बातचीत का उनने एक लूप लाइन चालू रखा था। और जो खबर है वो ये है कि गोधरा की बैठक में उनने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बैठक की, उसके बाद उनने बीजेपी के साथ बैठक की और उस बैठक में तय हुआ कि आगे क्या करना है। दूसरा एक बड़ा कारण बीजेपी को अर्जुन भाई की जरूरत क्यों है, वो इसलिए है कि जो पोरबंदर है वहाँ से मनसुख मांडविया को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। वहाँ पे पटेल कम्युनिटी के बाद एक दूसरी जो मोस्ट कम्युनिटी है वो ओबीसी कम्युनिटी है। अर्जुन मोढवाडिया का पोरबंदर होम टाउन है, वो उस कम्युनिटी को, मेक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अर्जुन मोढवाडिया भाजपा में एक अहम भूमिका में आगामी दिनों में दिखेंगे, लोकसभा चुनाव में नहीं दिखे, विधानसभा का चुनाव शायद वो लड़े भी नहीं भाजपा से, उनके भाई को लड़ाने की बात है राम मोढवाडिया को। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया के लिए बीजेपी ने एक भूमिका तय की है, इसलिए अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में गए। अर्जुन मोढवाडिया के बीजेपी में जाने से और कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है और भाजपा को क्या फायदा होगा? सर, कांग्रेस आज जिस परिस्थिति में है तो किसी से जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। 26 की 26 सीटें आप हारे हैं तो 26 में 27 तो हार नहीं सकते, तो कोई भी जाए फर्क क्या पड़ता है।
संगठन के तौर पे भी अर्जुन भाई का पूरे गुजरात में एक नेटवर्क है। कल 12 बजे वो भाजपा में शामिल होंगे तो उनके साथ कितने लोग आते हैं? मुझे जहाँ तक खबर है वो ये है कि अर्जुन भाई ने अपने लोगों को कहा है कि मैंने अपना निर्णय लिया है, आप लोगों को जहाँ रहना है वहाँ रहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े नंबर पे उनके साथ बड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस के अंदर एक मोड़वड़िया गुट था, लेकिन वो मोड़वड़िया गुट कांग्रेस में ही है। कल उसमें से बहुत बड़े नाम जाएं ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 26 की 26 सीटें उनके पास हैं। विधानसभा में उनके पास 182 में से 156 सीटें थी। 4 विधायक इस्तीफा दे के भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लगभग वो जीतेंगे भी। तो 182 में 160, 162 जब आपके पास नंबर है तो कोई एक नंबर बढ़ा लेने से आपको कुछ हासिल होगा ऐसा नहीं है। लेकिन एक मानसिक लड़ाई जो होती है कि आपके सेनापति को हमने ला लिया, जैसे इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के जाने का जो इंडिया गठबंधन पे मानसिक दबाव बना और कांग्रेस को तमाम राज्यों में अपनी सीटें गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ी, यूपी हो, गुजरात हो, वैसे ही मानसिक दबाव गुजरात में भी कांग्रेस के ऊपर है। राहुल गांधी के भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और कौन कौन से नेता हो सकते हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं? आज की जो परिस्थिति है, सुधांशु त्रिवेदी ने 4 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी कहा था कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस टूटती है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी अर्जुन मोढ़वड़िया एक बड़ गए, नारायण राठवा गए, नारायण राठवा जेल राज्य मंत्री थे, राज्यसभा थे, 40 साल का नारायण राठवा का भी करियर था। अमरीश डेग गए, भावनगर वो PCC चीफ शक्ति सिंह गोहिल की होम ग्राउंड से गए, वो कहते हैं ना कि आँख से काजल निकाल ले जाएंगे, तो बीजेपी ने शक्ति सिंह गोहिल की आँख से काजल निकाल लिया। अभी और ऐसे नाम हैं जो जाएंगे और राहुल गांधी की 4 दिन की जो यात्रा है उसमें 2 खबरें आपको एक साथ चलती हुई मिलेंगी। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस को लगा झटका। और कांग्रेस हाईकमान भी जानता है, ऐसा नहीं है। अमरीश डे को कल रात में निलंबित करने का दावा किया गया तो उनको पहले से पता था। अमरीश डे के कहने पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज हुआ, शक्ति सिंह खुद राजूला गए, अमरीश डे उनके साथ थे। फिर आज अमरीश डेग का पत्र आया और अमरीश डेग ने कोई कारण नहीं बताया कि वो क्यों जा रहे हैं। तो कई बड़े नाम हैं और आज की डेट में तो कांग्रेस से कौन छोड़ के चला जाए ये बीजेपी के अलावा किसी को नहीं पता। बीजेपी जिसको चाहेगी वो कांग्रेस से बीजेपी में होगा, लेकिन ये सिलसिला 7 से 10 तक चलेगा, लोकल लेवल पर भी चलेगा और प्रदेश के लेवल पर भी चलेगा। कांग्रेस मुक्त भारत नारों के बीच में कांग्रेस युक्त भाजपा बनती जा रही है, इस पर आपका क्या सुझाव है? सुझाव तो कांग्रेस जाने भाजपा जाने, वो सुझाव देना हमारा आपका काम नहीं है। जो कांग्रेस युक्त भाजपा का जो कारण है उसका खामियाजा तो भाजपा के लोगों को भुगतना है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी थी, आइडियोलॉजी की पार्टी थी। अटल जी का एक वो बयान है कि मैं चिमटे से भी ऐसी सत्ता नहीं छूंगा, आज वो भाजपा नहीं बचे। लेकिन कांग्रेस ने भी यही किया है, जब आप सत्ता में आते हैं तो अपोनेंट को आप अपने में शामिल करते हैं। एक सबसे अच्छी परिस्थिति ये मानी जाती है कि कोई विपक्ष नहीं हो, और विपक्ष कब नहीं होगा जब विपक्ष में कोई नेतृत्व नहीं होगा। तो कांग्रेस मुक्त तो कांग्रेस युक्त ये दोनों साथ में चलेंगे। कांग्रेस ने चिमन भाई की पूरी सरकार शामिल कर ली थी, तो जो भी सत्ता में होता है वहां ये सब होता है।
वो गुजरात का 2002 के बाद का, यदि आप 2014 तक 12 साल का टाइम ड्यूरेशन छोड़ दीजिए, तो 89 से देखिए तो लगभग 2002 तक जो गुजरात की पॉलिटिकल पोजीशन थी, उसमें आयाराम गयाराम हजूया खजूया इसी गुजरात में हुआ था। यही कांग्रेस थी जिसने शंकर सिंह बापू की सरकार बनवाई थी और बाद में बापू को शामिल कर लिया था, बाद में वही बापू छोड़ दिए। तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको किसी को तोड़ना आसान होता है। कांग्रेस सैद्धांतिक तौर से लोभ लालच भय की बात नहीं कर सकती, क्योंकि यदि लोभ लालच भय आज है तो वो लोभ लालच भय चिमन भाई के टाइम पे भी था, वो लोभ लालच भय शंकर सिंह वाघेला के टाइम पे भी था, वो लोभ लालच भय उस समय भी था जब 2007 में मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के 7 MLA बागी होके भाई कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो लोभ लालच भय उस समय भी था जब मजपा बन रही थी और कांग्रेस खुश हो रही थी। तो ये सत्ता की लड़ाई है, इसमें कोई सैद्धांतिक पहलू नहीं है। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि जो परिस्थिति बन रही है इससे लोकल जो वर्कर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन कभी खत्म नहीं होता, आप नेता ले लेते हैं लेकिन अपोजिशन एक पोजिशन है, उस पर कोई दूसरा आके बैठता है। कल अर्जुन मोढ़वाड़िया जाएंगे तो बीजेपी में भी उनको उन लोगों को मिलना होगा जिनके सामने वो 40 साल लड़े हैं, और बीजेपी के उस वर्कर को भी अर्जुन मोढ़वाड़िया जिंदा बात कहना पड़ेगा जिसने 40 साल उनका पुतला जलाया है। तो वो ग्राउंड के वर्कर के लिए स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन जो लीडर होता है वो अपनी बार्गेनिंग अच्छे से करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कांग्रेस युक्त या कांग्रेस मुक्त है। कांग्रेस संभाल नहीं पा रही अपने लोगों को, ये भी एक बात सही है, और उसमें एक संवादहीनता की बड़ी कमी है। हाईकमान के साथ जो टच था अब वो टच नहीं बचा, और जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं उनकी भी वो हैसियत नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके, वो लोगों को समझा सके। कोई एकाएक चला जाए तो वो लालच में या भय में जाएगा। यदि आपको पता है कि मैं जाने वाला हूँ या मेरी बातचीत चल रही है उसके बाद भी आप नहीं संभाल पाते, तो ये आपके पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कमी है। आप किसी को भी ये कहिए कि जिसको जाना है वो चला जाए, यदि कोई ऐसे नहीं जाता। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप के पुराने वीडियो 2 घंटे में वायरल हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता पार्टी छोड़ना किसी के लिए भी, और खासतौर से अर्जुन मोढ़वाड़िया जैसे आदमी के लिए। वो NSOI से आए थे, यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी थे, MLA बने, LUP बने, वर्किंग प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने। अर्जुन मोढ़वाड़िया MLA होते कि नहीं होते, MP होते कि नहीं होते, लेकिन XPCC के तौर पे वो अगले 10 साल भी कांग्रेस की टिकट बांटते। बीजेपी में वो पोजीशन में तो नहीं है, नया घर है, नए तरह के संबंध बनाने पड़ेंगे। कांग्रेस में टिकट बांटते थे, वहां मांगनी पड़ेगी, तो ये अंतर है। तो ये एक साथ नहीं होता, इसमें उपेक्षा एक बड़ा सवाल है। और मुझे जो लगता है वो अर्जुन भाई को ये लग गया था गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद से, खासतौर से जग्गू शर्मा और जगदीश ठाकुर के टाइम पे जिस तरह से उनके लोगों को साइट किया गया था उससे वो दुखी थे। और बाकी तो राम नाम सत्य है, आज हो ही गया है। कांग्रेस अपने नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने से बचा नहीं पा रही है, उसमें लीडरशिप की कितनी विफलता है? बिल्कुल, एक तो पहली बात तो कांग्रेस लीडरशिप के पास आज की डेट में देने के लिए कुछ नहीं है। सामान्यतः वो होता ये है कि यदि आप हार जाते हैं तो आपको सेंट्रल में एडजस्ट कर देते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं।
कांग्रेस के पास राज्यसभा की सीटें नहीं बची हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस एक लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। नोबडी कैन नो हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में यदि आप पीसीसी चीफ लेवल पे भी आपको कोई बात कहनी है तो आप किससे कहो? खड़गे जी डिसीजन ले पाएंगे? कहने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डिसीजन नहीं ले रहे। टीम राहुल अलग है, टीम प्रियंका अलग है, और ये जितने भी लोग हैं, नारायण जाठवा हो, अर्जुन भाई हो, ये सब कहीं ना कहीं हाई कमान के लोग थे। हार्दिक पटेल गए, हार्दिक पटेल तो राहुल गांधी के लवली बॉय थे। राहुल गांधी का जब पोजीशन कमजोर हुआ तो हार्दिक अपने आप यहाँ कमजोर हो गए। तो कांग्रेस के अंदर ये कि लीडरशिप स्ट्रगल है, कोई ये जानता नहीं है कि वो अपनी बात किसको कहे, और जब आपकी बात कहीं सुनी नहीं जाती तो आपका जो तनाव है, जो आपकी उपेक्षा की भावना है, वो और बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं जैसे अर्जुन भाई ने लिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की गुजरात में क्या स्थिति हो सकती है? गुजरात कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये चार स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट थी। पिछले विधानसभा में उनमें से गुजरात में आम आदमी पार्टी घुसी। आम आदमी पार्टी को सीट भले दो मिली, लेकिन उनने नाक दबा के भरूच और भावनगर ले लिया। भरूच और भावनगर दोनों सीटें कांग्रेस के लिए सैद्धांतिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण थी। भावनगर प्रदेश प्रमुख की खुद का होम टाउन था, और भरूच के लिए अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी थी, उनके बच्चों ने बगावत की, नाराजगी जताई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कांग्रेस अपनी सीट आम आदमी से भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस जो सीटें आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी, आम आदमी पार्टी ने वो सीटें नहीं ली। आम आदमी पार्टी ने वो सीट ली जो उसको चाहिए थी। तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए और मुश्किल होगी, क्योंकि 2025 में लोकल बॉडी इलेक्शन है, और लोकल बॉडी इलेक्शन यदि आप नहीं जीत पाते सिंबॉलिक तौर से भी, तो विधानसभा का आपका आधायक खत्म हो जाता है। और कांग्रेस में गए कितने, ये 7 साल में आप 100 नाम गिना देंगे, लेकिन आया कौन वो सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस का नेतृत्व भी गुजरात को लेके एकदम से उपेक्षा भाव में गुजरात को छोड़ दिया है। 2022 का विधानसभा चुनाव यदि आप देखिए तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई सेंट्रल लीडरशिप है। कोई स्टाइक कैंपेनर नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं, राहुल गांधी नहीं, गुजरात कांग्रेस को ऐसे छोड़ दिया था विधानसभा के इलेक्शन को जैसे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कोई सिटी में हो रहा हो। तो उसका खामियाजा तो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के लिए अब हासिल करने को कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस ऊंचाई पर पहुंच गई है उसके आगे की तो ऊंचाई नहीं है। मैंने पहले कहा 26 में से 26 है आपके पास, 27 तो जीत नहीं सकते। सीजे चावड़ा का जाना सामान्य घटना नहीं थी। यदि हाईकमान चाहता तो सीजे चावड़ा को रोक सकता था। सीजे चावड़ा क्लास 1 ऑफिसर थे, नौकरी छोड़ के आए थे, वो दबाव में आने वाले आदमी नहीं थे। हाईकमान नहीं रोक पाया। ऐसी एक नाम नहीं है, कुंवर जी बावलिया क्यों गए, आज मंत्री है। कुंवर जी बावलिया को आज भी कोई भी कांग्रेस का नेता आरोप नहीं लगा सकता कुंवर जी बावलिया पे, गांधीयन है। तो आपको पता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग आपके जा रहे हैं,
तो कुछ कमी तो है, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। लोकसभा चुनाव से पहले और कितने झटके कांग्रेस को खाने पड़ेंगे वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू गुजराती न्यूज़ पर।